हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो लेसन है वो हम लक्ष्मीकांत बुक की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट लेसन है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आज हम इस चैप्टर में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अब जरा मैं चैप्टर समझाने से पहले आपको ये बताऊं, बहुत ही बेसिक सा आइडिया लीजिए आप। इमरजेंसी यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब आप एक पर्टिकुलर, अगर आप अपने ऊपर भी लेकर सोचते हो कि ऐसा नहीं है, आपकी दो तरीके की एक लाइफ हो जाती है या फिर सिचुएशन कभी कभी दो तरीके की हो जाती है। अगर एक तो आपका है कि एक सिंपल जो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होती हैं सिचुएशंस बिल्कुल पलट जाती हैं, उन सिचुएशंस को हम बोलते हैं इमरजेंसी। तो उस सिचुएशन में किस तरीके के प्रोविजंस यानी कि प्रावधान किए गए हैं गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट या सेंट्रल लेवल पर, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में आज कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो ये पार्ट कितने में आते हैं, 10(8)(18) यानी कि पार्ट 18 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 352 से 360 तक ये आर्टिकल को कवर करता है। 352 से लेकर के 360 तक आर्टिकल्स को ये कवर करता है। अच्छा, अब आप एक चीज़ समझिए कि अब मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी कि हाँ भाई इमरजेंसी प्रोविजंस की इमरजेंसी में काम आएंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए, इमरजेंसी है तो किन किन चीज़ों को लेकर के इमरजेंसी हो सकती है या किन किन फैक्टर्स को लेकर इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर मैं देखूँ तो एक एबनॉर्मल सिचुएशन कोई बन गई है जिसको टैकल करने के लिए हमको वो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। किस लिए? ताकि हमारे जो कंट्री में जो सोवरनिटी हमारा जो फैक्टर है, जो यूनिटी एक फैक्टर है, जो इंटेग्रिटी एक फैक्टर है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी जो है वो कंट्री की, वो सेफ गार्ड रहे यानी कि बची रहे, ठीक है। तो अब कंट्री का देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी बना रहे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सब चीज़ों के लिए ये प्रोविजंस की कुछ ना कुछ आपको देखते हैं अभी चैप्टर में भी जानेंगे कि किस ना कुछ किस तरीके से आप 352 से 353, 354 और इस तरीके से 360 तक पहुंचेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो पॉइंट्स हमारे बन गए हैं इनको लेकर के। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊँ, तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि मैं इसेंस की बात कर रहा हूँ, अगर हम इमरजेंसी की इसेंस की बात करें तो तीन तरीके के फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास निकल के आते हैं। एक तो अगर आप इमरजेंसी अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रूटीन में चेंज होते हैं वो, उसके बाद हम लोग जो है कितने टाइप की इमरजेंसी होती है उस पर काम करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसी भी एक टाइप की इमरजेंसी अगर लगती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाती है, यानी कि सारी पावर जो है वो स्टेट के हाथों में से निकलकर किसके हाथों में पहुंच जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल कंट्रोल अब किसका हो जाएगा, सेंटर का, कहाँ पर, स्टेट के ऊपर। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि चूंकि ये हमारा जो कंट्री है वो एक तरीके से फेडरल सिस्टम बोला जाता है, लेकिन फेडरल है नहीं, वो कम्प्लीटली काशाई फेडरल इसको हम बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो हमारा यूनियन में ऐड होने के लिए कोई, हमने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, किसी भी टाइप का कोई बॉन्डेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे आप देखते हो यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में, वहाँ पर आप देखते हो तो वो एक टाइप से एग्रीमेंट है, यहाँ पर किसी भी टाइप का वो एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर यूएसए में इस टाइप की कोई भी सिचुएशन बनती है तो कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सेंट्रल ऑल पावरफुल हो जाए, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। लेकिन इंडिया में क्या है, अगर किसी भी टाइप की इमरजेंसी बनती है, अभी मैं उन इमरजेंसी पे बाद में बात करूँगा कि कौन कौन सी बन रही हैं, किसी भी टाइप की अगर इमरजेंसी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर अपने आप चली जाती हैं और यहाँ पर इंडिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फेडरल सिस्टम से एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। टोटल कंट्रोल किसका है, सेंटर का, कहाँ पर, स्टेट पर, ऑब्वियसली हो जाएगा जब यूनिटरी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट भी ये क्लियर हो गया कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर तीन तरीके की आप देखेंगे इमरजेंसीज की बात की गई है, नंबर वन, दिस इज नंबर टू,
एंड नंबर थ्री। तो आप देखिए जरा, इमरजेंसी तीन तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आपके नेशनल लेवल पर कोई बड़ी बात हो गई है, कोई बड़ा मुद्दा आ गया है नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँगा, थोड़े बड़े लेवल की बात करूँगा, जैसे कि वॉर हो रही है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ हो गया या फिर कोई भी आर्म्ड रिवेलियन हो गया। क्लियर हो गया? आर्म्ड रिवेलियन, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, क्योंकि इससे हमारा जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है। ये इमरजेंसी अगर इस टाइप की कोई भी होती है नेशनल लेवल पे, ये आपका आर्टिकल 352 के अंदर कवर की जाती है। क्लियर? सेकंड आप देखेंगे कि अगर आप इस इमरजेंसी को बात करें, देखिए नेशनल तो हो गया क्योंकि नेशनल लेवल की बात हो रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, ये एक टाइप से इमरजेंसी का आप बोल सकते हैं प्रोक्लेमेशन हो रहा है, इमरजेंसी को आरोपित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी भी टाइप की इमरजेंसी है जो कि अगर वॉर से होती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से होती है या फिर आर्म्ड रिवेलियन से होती है, वो हमारी नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी जो कि अंडर आर्टिकल 352 में आएगी। अब अगर इमरजेंसी है कोई भी स्टेट में, आप देखेंगे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो गया है वहाँ पर, ठीक है, तो या फिर आप देखेंगे कि किसी भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क खराब हो रहा है किसी भी स्टेट में, तो वहां पर आप देखेंगे सेकंड टाइप की इमरजेंसी अप्लाई हो जाएगी। इस इमरजेंसी को ज्यादातर लोग प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं, क्योंकि ये स्टेट में लगती है तो स्टेट की इमरजेंसी हो जाएगी, स्टेट इमरजेंसी हो जाएगी। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब होने की वजह से लगती है या बिगड़ जाने की वजह से या डिसबैलेंसी की वजह से लगती है, तो वहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कहीं भी जो है वर्ड इमरजेंसी का यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो अभी आप देखें जरा कि यहाँ पर और भी इस सिचुएशन की बात हो रही है, केवल ये सेकंड पॉइंट के सिचुएशन की, ठीक है। अब देखिए आप थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ये कि कभी मान लीजिए इस टाइप की या तो बाहर से दंगे हो रहे हैं तो नेशनल इमरजेंसी हो गया, या अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपकी स्टेट इमरजेंसी हो गई, ये तो दो हो गई, या बाहर प्रॉब्लम होगी या अंदर प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम हो पैसे से रिलेटेड या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, कुछ फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, कुछ हिंदी में बोलते हैं शायद इसको वित्तीय, ठीक है, तो उससे संबंधित, तो वहाँ पर आपका आर्टिकल 360 वर्क करेगा जब भी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आएगी। क्लियर हो गया? तो ये तो एक ओवरव्यू था, अब हम लोग इस चैप्टर की डीप स्टडी में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करूँगा इसकी नेशनल इमरजेंसी की, क्या होती है नेशनल इमरजेंसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या कौन कौन सी आप देखेंगे फंक्शंस हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर ये अप्लाई हो जाती है, अगर अप्लाई हो चुकी है तो ड्यूरेशन क्या रहेगा, या इस दौरान क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे रहेंगे, एग्जीक्यूटरी कैसे काम करेगी, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो अब आप जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इन तीन पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल रखेंगे। पहला पॉइंट जो होगा, ग्राउंड्स क्या क्या होंगे, क्यों आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे। देन सेकेंड आपका आ जाएगा कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए आपको। अगर आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। तो गाइज यहाँ पर आपकी थोड़ी सी फैक्ट जो है वो चेंज होने वाले हैं, अभी आप देखते रहिए वीडियो को। और आप देखेंगे क्या क्या इसकी ड्यूरेशन है, अगर मान लीजिए अप्लाई हो रही है तो कितने टाइम तक के लिए अप्लाई रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है वो वन लाइनर एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव में बन के आते हैं। और थर्ड आपका जो पॉइंट है वो ये है कि अगर वो लग गई है तो उसको रिवोक कैसे करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उसको फिनिश कैसे करेंगे, उस प्रोक्लेम को, उस चीज़ को प्रोक्लेम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। हम लोग बेसिक नहीं भूलेंगे, बेसिक क्या है कि या तो इमरजेंसी तब लगेगी या तो वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो या कोई आर्म्ड रिवेलियन हो, एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा स्टेट में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फेल होती है वो मशीनरी, उसके बाद स्टेट के सेंटर के साथ रिलेशन किस तरीके से रहेगा, इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के प्रेसिडेंशियल रूल किस तरीके से वर्क करेगा। अब ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि ग्राउंड्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले अगर देखें आप तो एक तो वॉर हो गई और एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया और आर्म्ड रिवेलियन। तो आर्म्ड रिवेलियन टर्म को मैं बार बार प्रोनाउंस इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि आर्म ड्रिवेलियन जो टर्म है वो एक्चुअल में पहले आर्म ड्रिवेलियन नहीं था, इसका कुछ और नाम था, ठीक है। इसका नाम क्या था, आपका था इंटरनल डिस्टरबेंस। इसको हम पहले आर्म ड्रिवेलियन नहीं बोलते थे, इसको हम पहले इंटरनल डिस्टरबेंस बोलते थे। तो ये थोड़ा आर्म ड्रिवेलियन थोड़ा अजीब सा वर्ड हो गया था, थोड़ा वेगस टाइप का हो गया, वेग हो गया था काफ़ी, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे इसको समझा जाने लगा कुछ और, तो इसीलिए इसको इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वो क्या करते हैं, इसको 44th अमेंडमेंट को, ठीक है, जो कि हुआ था 1978 में, 1978 में एक अमेंडमेंट की एक्ट लाया गया 44th। इसमें क्या किया गया, आप देखेंगे इंटरनल डिस्टरबेंस को इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। क्योंकि इंटरनल अगर डिस्टरबेंस होता है आर्म्ड रेबेलियन की वजह से, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो आर्म्ड रेबेलियन चेंज किया गया, ये आपको कल क्लियर हो गया, किससे, इंटरनल डिस्टरबेंस से। अब हम लोग वापस अपने पॉइंट पर लौटते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है कि इमरजेंसी जो है वो नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो सकती है, मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री, यानी कि या तो पूरे कंट्री में अप्लाई हो सकती है या फिर किसी एक छोटे से हिस्से में भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। या तो पूरी कंट्री में अप्लाई हो जाएगी या फिर किसी एक हिस्से में अप्लाई हो जाएगी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इन्होंने प्रेजिडेंट को जो है लिमिट किया, प्रेजिडेंट टू लिमिट दी ऑपरेशन, ठीक है, किस चीज़ के ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट को लिमिट कर दिया कि आप चाहो तो एक छोटे से एरिया में भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके कुछ ग्राउंड्स थे। अब मैं आपको यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो चाहिए ही होगा, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट तो सबसे अहम चीज़ है ही। अगर कोई भी इमरजेंसी जो है वो लगाने की बात कही जाती है या होती है इस तरीके की बात, तो आप देखेंगे कि दोनों हाउस, ठीक है, दोनों हाउस पार्लियामेंट के वहाँ से ये अप्रूवल आएगा। कब, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, जब भी यो अप्रूवल इशू, अब जब भी वो आप प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे उसके 1 महीने का, आप देखेंगे कि मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जो है उस डेट से आपको अप्रूवल मिल जाए, तब आप नेशनल इमरजेंसी कर सकते हैं घोषित प्रेसिडेंट के लिए। ये बात अलग है, प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं बट इसमें कैबिनेट की भी मंजूरी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब भी प्रेसिडेंट का मन हो और वो जाकर के लगा सकते हैं इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी, अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर वो अप्रूव होता है दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के, इमरजेंसी क्या होती है, द इमरजेंसी कंटिन्यूस, तो फिर वो इमरजेंसी तुरंत क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर एक बार दोनों हाउस पार्लियामेंट के इस चीज़ को एग्री करते हैं और अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाएगी, और आप देखेंगे 6 month के लिए ये कंटिन्यू होती है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस टाइम तक आप जो है इमरजेंसी लगा के रखेंगे, एक इनडेफिनेट टाइम तक आप इसको लगातार बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूसली आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके 6 month कंप्लीट हुए, उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। हर बार ये 6-6 महीने के एक पीरियड्स में, एक इंटरवल में कई बार बढ़ाया जा सकता है, एक इनडेफिनेट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक हो गया आपका कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, दोनों हाउसेस का चाहिए होता है और कैबिनेट का भी चाहिए होता है। देन आप देखेंगे उसकी ड्यूरेशन 6 महीने की होती है अगर ये एक बार अप्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवोकेशन पे। तो एक रेजोल्यूशन है डिस्पोजल के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को अप्रूव करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं, दोनों के करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अगर आप देखेंगे एक रेजोल्यूशन है जो कि अप्रूव करा रहा है किसी चीज़ को, और एक रेजोल्यूशन जो है वो डिसअप्रूव करा रहा है, तो दोनों के लिए देखेंगे हम क्या क्या तरीके जो हैं वो फॉलो होंगे। तो पहले वाले में आप देखेंगे द फर्स्ट वन, यानी कि डिसअप्रूवल। अगर आपको डिसअप्रूवल करना है किसी भी प्रोक्लेमेशन का, जो भी आपने अनाउंसमेंट दी है, तो आपको क्या चाहिए, केवल केवल पास्ड बाय, रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय लोकसभा ओनली। यहाँ पर आपको राज्यसभा जाने तक की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से उस चीज़ को, प्रोक्लेमेशन को कैंसिल कर सकते हैं और वो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, ठीक है, अप्रूवल के लिए, वहीं अप्रूवल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल के लिए आपको दोनों हाउसेस के लिए, सेकंड वन नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा,
लोअर हाउस एंड दी अपर हाउस, दोनों हाउसेस को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। क्लियर। डिसअप्रूव करने के लिए ओनली लोकसभा, अप्रूव करने के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा बोथ। गॉट इट। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करें कि अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, देखिए जरा, तो अडॉप्ट कैसे होगा, तो डिसअप्रूवल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर डिसअप्रूवल करेंगे तो एक सिंपल मेजोरिटी कर सकते हैं आप, 2/3 मेजोरिटी, बस बात खत्म वहाँ पर ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें एक अप्रूवल की बात जहाँ पर की है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अप्रूवल लेना है कि हम नेशनल इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, उसका अप्रूवल दीजिए हमें, तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल जाती। क्लियर हो गया। तो डिसअप्रूवल के लिए एक सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है, जबकि अगर अप्रूवल आप लेने जाएंगे तो आपको स्पेशल मेजोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम इसको जानेंगे आगे, इसके इफ़ेक्ट्स और बाकी की 2 टाइप्स की और इमरजेंसीज के बारे में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू।